हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्वेश्चन देखते ही बस कुछ सेकंड में ही आंसर कैसे दे देते हैं। इसके लिए नीचे कुछ स्टेप्स है जिसको आपको समझना होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप अगर आप इसका एलसीएम निकालने लग जाओगे तो एग्ज़ाम में बनाना इसको पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो बात है कि कैसे बनाएं इसको। तो आप इसके लिए देखिए, ये जो 1/30 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 - 1/6। तो पूछिएगा कैसे? तो आप देखिए, इसका एलसीएम लीजिए 5 × 6 = 30, और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 5, यानी कि ये 1/30। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/30। इसी तरह से ये है 1/42, तो 1/42 को हम लोग लिख सकते हैं 1/6 - 1/7। कैसे? अब देखिए, 6 × 7 = 42, और ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7 - 6, तो इस तरह से ये आ जाएगा 1/42। तो यहाँ जितना भी वैल्यू ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है वो सारा इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है? आगे भी इसी तरह से 1/7 - 1/8 करेंगे तो होगा 1/56, और 1/72 को ब्रेक करेंगे तो 1/8 - 1/9। तो आप पूछेगा कि ये एग्ज़ाम में समझेंगे कैसे? तो ये बता दें कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो उसी हिसाब से सेट किया हुआ होता ही है कि इस तरह से ब्रेक हो जाए, और ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। तो अब देखिए, ये वाले लाइन को हम लोग इस तरह से लिख लिए, ठीक है? और आगे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए, अभी के लिए इसको है इस तरह से हम लोग लिख लिए, ठीक है? अब इस तरह से लिख लिए, ये वाले को हम लोग ब्रैकेट में कर करके दो दो का लिख लिए, 1/30 को ये वाला और 1/42 को ये वाला, इस तरह से ये लिख लिए सारे को ब्रेक करके, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिए कितना इजी हो गया ये वाले लाइन के बाद। 1/6 ये माइनस में है और 1/6 ये प्लस में, ये तो कट गया। सेम उसी तरह ये देखिए, ये माइनस में 1/7 है, ये प्लस में 1/7 है, ये भी कट गया। अगला वाला जो देखिए 1/8 है माइनस में, यहाँ पे 1/8 प्लस में है, उसी तरह ये देखिए 1/9 माइनस में, ये 1/9 प्लस में, और यहाँ पे 1/10 माइनस में, 1/10 यहाँ प्लस में। तो अब यहाँ क्या बच गया? अब यहाँ पे बच गया 1/5, और इधर लास्ट वाला बच गया माइनस 1/11। तो 1/5 - 1/11 करेंगे तो ये आ जाएगा 6/55। कैसे? इसको ले लिया एलसीएम, नीचे हो गया 55, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर आ जाएगा 11 और इधर आ जाएगा 5, 11 - 5 = 6, तो 6/55। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई डाउट है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। देखिए, इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से बनने लग जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरह, अगर आप क्वेश्चन इस तरह का एग्ज़ाम में देख लीजिएगा तो आप ये समझ जाइएगा, ये जाहिर सी बात है कि इसका एलसीएम हम लोग वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो ज़रूर ये ब्रेक होगा। और ये आता है प्रैक्टिस से। ये देखिए, 1/9 को ऐसे लिखे, ये 1/6 है, ठीक है? ये वाला लाइन देखिए, ठीक है, ये 1/9 है, इसको लिख दिए 1/9, ठीक है? और देखिए 1/6 को हम लोग ये ब्रेक कर दिए 1/2 - 1/3, और यहाँ 1/12 को ब्रेक कर दिए 1/3 - 1/4, 1/20 को ब्रेक कर दिए 1/4 - 1/5, और 1/42 को ब्रेक कर दिए 1/5 - 1/6, और बीच में सारा प्लस का साइन है वो तो उसी तरह रहेगा। ये देखिए 56 को ब्रेक कर दिए हैं, 6 × 7 होता है, तो 1/6 - 1/7। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये लगातार दो संख्या है सारा का सारा। फिर ये देखिए,
7 8 7 8 जा 56, तो 56 को इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, 72 है यहाँ, तो 6 × 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, देखिए इसका लास्ट वाला टर्म, इसका फर्स्ट वाला, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट एंड इसका फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए ये वाले 1/9 लास्ट स्टार्टिंग का है और ये 1/9, ये देखिए माइनस में ये भी कट गया, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बच गया 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजी हो गया, और जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा ये बिल्कुल भी, आप सिर्फ क्वेश्चन देख कर ही समझ जाइएगा कि ये वाला टर्म 1/6 है, तो इसमें 1/2 माइनस 1/3 आएगा, और इसमें 1/3 माइनस 1/4 आएगा, और सारा संख्या उसी तरह से। तो आप मन में ही ये सबको कट करते जाइएगा, और आप क्या कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे देखिएगा कि 1/9 है, और ये 1/72 में जो है ये वाला टर्म आएगा, तो ये वाला 1/8 तो कट चुका होगा और ये 1/9 इससे कट चुका होगा, ये सारे आपके माइंड में कैलकुलेट आ जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1/2 है, ये नहीं कटेगा, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/2। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आप इस पे प्रैक्टिस करिए।